हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी कराने के लिए। सो गाइस, सो के उठने के बाद सीधे फिजियोथेरेपी के लिए मैं जा रही हूँ। बच्चे भी सोए हैं घर पे, अभी घर पे कुछ किया भी नहीं है, सब कुछ जा कर करना है। देखिए, बारबिया स्विमिंग नहीं जा पाई है। बारबिया स्विमिंग क्यों नहीं गए बेटा? आ जा, ये देखो उठ ही नहीं रही है बारबी। देखो बारबी ने अपना रात को बैग भी लगा था, टावल वगैरह रखे थे अपने, स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी रखी थी, नीचे बैग गिरा हुआ उसका। देखो कैसी फैली हुई है आज, क्योंकि रात लाइट ने बहुत परेशान किया, इसलिए बच्चों की आंखें नहीं खुली। विशाल की स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी रखी हुई है। अच्छा बेटे, बर्तन धो के जाओ, तू पलट रही पहले, ठीक है? आज गुंजन गायब होगी, दिखे गुंजन आई है अभी। बारबी जरा पहले पूजा में झाड़ पोछा कर दे बेटे। जी जी, कर रहे हैं पूजा। क्या ला रहा बताओ? ला रही हूँ। मैंने लगाया पोछा, बारहवीं ने पोछा लगाया इधर। आज गुंजन अभी तक आई नहीं है, सारा काम भी फैला पड़ा हुआ है। और शायद बारहवीं मल रही आटा, मेरी बारहवीं रोज़ आटा मलती है। मेरी बारहवीं को बड़ा अच्छा था आटा बनना। अब आप डेली आटा आप मल कर रखा करो बारहवीं। राजी मैंने बना दिया है आज राजमा। ये बना दिया मैंने राइस, और ये मैं बना रही हूँ अभी बुंदी का रायता। बुंदी कपड़े रखिए प्रेस के, प्रेस में रखिए कपड़े, और बारबी की अलमारी में मत रखियो, ये सब कपड़े हो जाते हैं कहीं इधर के उधर, कहीं मेरे, कहीं बारबी, कहीं इसके पापा के, कहीं विशाल के। सो गाइस, मेरी बारबी लाई है लंच। माँ बेटे लंच कर लेते हैं, हम लंच नहीं किया है। बेटे ये खाने बेड पे ही एक पेपर ले आते, तो बेटे रायता तो ले आओ। बारबी एक बेटे एक प्याज भी काट के लाना। आ जा बेटा, राजमा कम है बेटा। राजमा कम है बेटा। आज देखिए मेरी बारबी सर्व कर रही है। अब मेरे इसमें धोखे थे ना बेटा, ध्यान से देखो। बढ़िया देखो, बारबी उन्होंने काट के लेके आई है, बारबी रायता भी लेके आई है। मैं बना रही हूँ पुदीने का पानी, जो बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें नींबू डालूँगी मैं इसमें, और ये देखिए गाइस मैंने इसमें नींबू डाल दिए हैं। इसमें नमक डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाल दिया, हल्की सी बूरा डाल दी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। और देखिए ये हो गया तैयार गाइस। देखिए ये हो गया पुदीने का पानी तैयार, ये बहुत ही टेस्टी है गाइस। देखिए बारबी ने इसमें बूंदी और डाल दी है, टेस्टी लग रही है बारबी। पता कैसे टेस्ट आ रहा है इसमें? जैसे जैसे वो राई का पानी होता है, कुछ इस तरह टेस्ट आ रहा है। और नींबू पानी में बूंदी, लेकिन आपने बूंदी डाल के ना हेल्दी बना दिया इसको। ये है थोड़ा हैवी हो गया पानी, ऐसे पीना चाहिए पुदीने का बेटा। अरे भी पानी में डाल के भी एक किलो बूंदी खाएगी, रायता भी कहाँ पीती है, रायता बूंदी खाती है। हमारे पेट भर गया होगा आपको तो बेटा, गिलास देखो उसने पानी नहीं पिया है, इसलिए कुछ बूंदी खाई है उसने बस। गाय सुमित जी आए हैं दुकान पे से, तो मैंने उनके लिए नींबू पानी बना के दिया है। उनका मन था कि मैं पुदीना वाला पानी पीऊँ, क्योंकि गर्मी में अच्छा भी लगता है, कुछ ना कुछ चीज़ खाने पीने के लिए मन होता है। शाम को आके वो चाय पीते नहीं हैं, तो फिर मैंने उनके लिए बनाया पुदीने का पानी। गाइस आज था बृहस्पतिवार, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज बृहस्पतिवार है, तो मैंने लगा दिया मशीन। चलो कपड़े धुल गए तो सुखाने तो थे ही वो, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज बृहस्पतिवार, नहीं तो बृहस्पतिवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ कभी भी। तो गाइस अब चलूँगी किचन में, क्योंकि तैयारी करनी है खाने की भी। देखती हूँ किचन में क्या करना है। सबकी डिमांड भैया अलग अलग होती हैं, जो बच्चे खाते हैं पापा नहीं खाते, पापा खाते बच्चे नहीं खाते। सो गाइस शाम के बज रहे हैं 7:30, खाने का होने वाला टाइम। तो मुझे डिनर में बनानी थी तोरी, और ये देखिए बारबी ने कहा माँ मुझे छीनने दो। मतलब कोस हर काम के लिए बोलते कि मैं करूँगी, या तो इसको भी लगता है कि मतलब सीखने का थोड़ा सा चाव लग रहा है इसे। तो वैसे ठंड में काम बारबी करेगी, गर्मी में उसकी मम्मी करेगी। बेटे मम्मी को गर्मी नहीं लगती बेटे? हाँ। मम्मी को गर्मी नहीं लगती बिल्कुल, मम्मी प्लास्टिक की है। देखो एक चीज देखो, अरे लग जाएगा हाथ में, हाथ कट जाएगा तुम्हारा बिल्कुल। छोड़ो छोड़ो, अरे इसे छोड़ दो, चलो हटो हटो। ये है आलू शिमला मिर्च। बारबी की इच्छा थी कि मम्मा भर के शिमला मिर्च बनाओ, तो मैंने भरी तो नहीं है, लेकिन अच्छे से आलू मैश करके छोटे छोटे पीस शिमला के काट के मैंने शिमला मिर्च बना दी है। देव जी की इच्छा कि भाई तोरी बनाओ, मैं तोरी से खाऊंगा,
की तोरी बन गई है। तैयारी है चटनी की। ये पुदीना, हरी मिर्च, प्याज, आम कच्ची वगैरह, तब मैं बनाऊँ चटनी। सब्जियाँ वगैरह सब बन गई हैं, बस चपाती बनानी है मुझे अभी। अभी शाल भी आ जाए तो तभी सबके साथ बना दूँगी। तो दस सैलड वगैरह काट के रख देती हूँ, भाई भयंकर गर्मी हो रही है। उनका चलो बारह में टाइम क्या, अभी जरा बच्चे बताना। पौने साढ़े नौ, 9:30, 9:25। मैं बारहवीं को तो टाइम देखना तो आता है, कहना नहीं आता। गाय ये पति लिए देव लिया हैं, ये लगाई है गंवार की फली। और भाई फिर से आ गए हमारे करेले, ये देखो भाई अभी करेले खत्म ना हुए हमारे, और करेले फिर से आ गए। ये देखो भी करेले। गाय जी देखिए बारहवीं खा रही। बेटा आप खाने टाइम पे लीजिए, खा रहे हो। आपने कहा था मम्मा शिमला मिर्च बनाई है और तोरी बनाई है और चटनी बनाई है हम कच्चे आम की और पुदीने की, तो तुमने कहा मम्मा शिमला मिर्च बना दो, मैंने बना भी दी, रखी भी। चलो तो भाई खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गए, चलती हूँ थोड़ी देर रूम में, मुझे लगी बहुत गर्मी है, अभी कोई खाना खा ही नहीं रहा है। प्रॉपर तरीके से खाना तैयार कर दिया मैंने। और भैया सब लेट रहे हैं, आराम करें, मज़े ले रहे हैं, और मैं लगी पड़ी हूँ किचन में। चल लगा भैया खाना दे दो, ठीक है तुम लगाओ, मैं चपाती चपाती सेकूँ, ठीक है। प्लेट लगा दो भैया की। बेटे पापा को बोल दो, पापा भी खा लेंगे, ठीक है। लो बेटा ये भाई की प्लेट तैयार हो गई है, दे बेटे भाई को, ठीक है ना। बेटे पापा को बोला, पापा को भी, पापा को लगा लो, पापा को आज। वैसे विशाल भी आ गया है, खाना वगैरह सबका हो चुका। अब मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, जय श्री राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।